जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह 2023 के तीसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में तुला राशि के लोगों के लिए 14 फरवरी से 20 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा फरवरी के ये सात दिन आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे कौन सा ग्रह राशि बदलेगा क्या योग बनेंगे किन ग्रहों की युति होगी और इन सभी का प्रभाव आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से शिक्षा के बारे में स्वास्थ्य के बारे में आपके करियर के बारे में आपके धन के बारे में हर एक चीज़ के बारे में इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं तो चलिए पहले इन सात दिनों में होने वाले ग्रहों की स्थिति या बदलाव योग और तिथि इनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस सप्ताह की जो शुरुआत है जो चौदह फरवरी का दिन है वो वैलेंटाइन डे का दिन है मंगलवार से शुरुआत होगी और नवमी तिथि होगी कृष्ण पक्ष की जो सप्ताह का अंतिम दिन है बीस फरवरी का दिन ये दिन अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि बहुत ही सिद्ध दिन माना जाता है अब यहां जो सप्ताह के शुरुआत से यानी कि चौदह फरवरी से सूर्य शनि और शुक्र इन तीन ग्रहों की युति एक साथ रहेगी इसके अलावा पंद्रह फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा एक ग्रह राशि भी बदलेंगे शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे मीन राशि में पहले से गुरु मौजूद हैं गुरु के साथ जो शुक्र की युति होगी ये काफी बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगी तो इस सप्ताह में जो ग्रहों की युति है वो काफी मायने रखेगी एक तो सूर्य और शनि की युति कुंभ राशि में फिर पंद्रह से शुक्र और गुरु की युति होगी साथ में चंद्रमा भी होंगे और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि से कुंभ राशि तक गोचर करेंगे वृश्चिक धनु मकर कुंभ इन चार भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे तो इसके अनुसार भी जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे ये ग्रहों की जो स्थितियाँ हैं ये काफी मायने रखती हैं और तुला राशि के लोगों के लिए तो वाकई में बेहद प्रभावशाली ये ग्रहों का योग होने वाला है पांच पांच ग्रहों का तो चलिए पहले अब हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से बदलाव आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे तो तुला राशि के लोगों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वृश्चिक राशि से गोचर करेगी सप्ताह की शुरुआत से आपके द्वितीय भाव में और कह सकते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली तरीके से इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए होगी सरप्राइज़ आपके जीवन में अपना रास्ता बनाता हुए दिखेंगे यानी कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से आपको सरप्राइज़ मिलेंगे ये वही समय है जब आप मानसिक शांति के साथ साथ, साथ सफलता भी हासिल कर पाएंगे ये आपके भविष्य को सफल करने के लिए एक शानदार तरीके से आपकी मदद करने वाले होंगे ग्रहों की देखिए स्थिति जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है और ग्रहों के बदलाव के कारण ही उनकी स्थितियों के कारण ही आपके जीवन में अचानक से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं इस दौरान आप अपने परिजनों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे आपके जो बुजुर्ग हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी यानी बहुमूल्य सलाह दे सकते हैं जो लंबे समय तक आपको काम आएगी इसलिए अगर कोई बुजुर्ग आपको किसी तरह की कोई सलाह देता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुने आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं सबसे अच्छे दादा दादी हो सकते हैं अपने घर के जो भी आपके माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं उनके साथ वक्त जरूर बिताएं कुछ ना कुछ वक्त आप उनके साथ बैठ कर बातें करें और यह जो चीज़ें हैं ना ये जीवन में बहुत मायने रखती हैं आपके सीनियर्स आपको किसी ना किसी काम की वजह से ढूंढते दिखाई देंगे यदि आपने अपने कलिक्स के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखा है तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस सप्ताह में व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी चंद्रमा जैसे ही कुंभ मकर राशि में जाएंगे तो शनि के साथ युति करेंगे और आ, साथ में शुक्र भी वहां मौजूद होंगे शनि के साथ शुक्र के साथ और सूर्य के साथ इसके साथ युति करेंगे शुक्र के साथ तो ये जो युति होगी ये आपको कुछ चीजों की तरफ प्रभावित करती दिखाई देगी जिसकी वजह से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का सही तरीका जान पाएंगे आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे अपने बारे में छोटे छोटे रहस्य जानने के लिए बहुत अधिक समय व्यतीत करेंगे और ये प्यार का मौसम का महीना है आप दोनों के लिए रोमांटिक पलों का आनंद आप लेते हुए दिखाई देंगे बेहतरीन पल होंगे इस महीने में इस सप्ताह में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है कई ऐसे अवसर मिलेंगे जब आपको अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कोई व्यक्ति मददगार साबित होगा आध्यात्मिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है अगर आप अपने जीवन में वाकई में प्रसिद्धि चाहते हैं और अपनी पहचान को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपको वो चीज़ें प्राप्त करा सकता है चंद्रमा की जो स्थिति है ये शनि के साथ जब युति करेंगे तब कई ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपकी आय को बढ़ाने का कार्य करेगी आपके धन को जोड़ने के लिए आपको बेहद अच्छे अच्छे अवसर देगी आपकी माता की सेहत भी इस सप्ताह में अच्छी रहेगी जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे बुध आपके नौवें भाव के स्वामी के रूप में आपके चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित हैं तो ये सप्ताह आपके पिता को भी और आपके कार्यक्षेत्र पर भी उन्नति के कई अवसर देने वाला होगा आपके घर में भी सकारात्मक स्थितियां रहेंगी अच्छा प्रभाव होगा घर का वातावरण खुशहाल रहेगा इस सप्ताह में सभी कार्यों को छोड़कर उन कामों को आप करना चाहेंगे जिन्हें आप करना बहुत टाइम पहले पसंद करते थे जैसे डांस करना हो गया गाना गाना हो गया चित्र बनाना हो गया इन सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ें आपके मन में उमड़ सकती हैं जिसके चलते आपको अपने करियर और उसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर सप्ताह रहेगा आप शुरू से अंत तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे हालांकि आपको कुछ छोटी मोटी चुनौतियां मिल सकती हैं लेकिन आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखें और अपने अध्ययन में रुचि को बनाए रखें तो आप हर एक चीज़ में अपने आप को सुपर पाएंगे सावधानी रखें तो स्वास्थ्य के लिए रखें किसी भी तरह की मानसिक टेंशन को ना होने दें वो आपको भ्रमित कर सकती है और मानसिक टेंशन होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अधिक बहुत अच्छा साबित होगा ये सप्ताह कोई आपको बड़ा पद और अहम जिम्मेदारी दिला सकता है शुक्र का जो गोचर है जो शुक्र आपकी राशि के स्वामी है और साथ में गुरु के साथ बैठेंगे तो देखिए दो ग्रहों की जो युति होती है एक दूसरे के गुणों को वो अपना लेते हैं ये योजनाबद्ध तरीके से काम करने का समय है मनचाहे लाभ प्राप्त करने का समय है प्रेम संबंध भी मजबूत रहेंगे आपके पार्टनर के साथ आपकी स्थितियां बहुत मजबूत रहेंगी और ये जो सप्ताह है इसमें प्रेम जीवन के मामले में तो देखिए पूरे सात दिन ही अच्छे हैं जो सप्ताह का अंतिम दिन है ये अंतिम दिन अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि एक सिद्ध दिन माना जाता है पितरों का तर्पण करने के लिए सभी देवों की पूजा पाठ के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो इस सप्ताह में जो ये अमावस्या तिथि का दिन है इस दिन आप कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें आप काली दाल दान कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी ये इस दिन उपाय करना बहुत अच्छा आपको लाभ देने वाला रहेगा चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो और भी अधिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें